हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक, आपका होस्ट, आपका फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आपके अभी एग्जामिनेशन चल रहे होंगे आई नो, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमें ऐसी 4 गलतियाँ बताइए जो हमसे अभी भी हो रही है और नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने आ रहा हूँ, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन, आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो इन 4 बातों का विशेष करके ध्यान रखें। अगर इन 4 बातों का आपने विशेष करके ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में फेल हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने सही सुना आपने जो मैं कह रहा हूँ। 4 बातें कौन सी है उस पर भी मैं जल्दी आऊँगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर एक अपडेट ऐसे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ मैं आपको देता हूँ। देखिए, पहली बात ये, अगर आप एग्जामिनेशन SOL का अगर स्टूडेंट हो, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो OVE का, तो पहली बात ये है कि जो आप अपनी डिटेल्स जो अपनी आंसर शीट में फिल करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट फिल करें। जी हाँ, और हर पेज पे सिग्नेचर ज़रूर करें। अगर ऐसा आपने नहीं किया, जब वहाँ कंसीडर करी जाएगी सीट, तो किसी पे अगर आपका रोल नंबर नहीं हुआ तो फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा, कहीं ना कहीं उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी मेन बात क्या है, जब भी एग्जामिनेशन के लिए बैठे तो आधे घंटे पहले ही अपना पोर्टल ऑन कर ले, और कोशिश करे कि जब भी आप अपनी आंसर शीट SOL या DU पोर्टल पे जब अपलोड करते हैं तो और स्टूडेंट से जो दिया गया टाइम होता है उससे आधे या एक घंटे पहले सबमिट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 पेज एक एक क्वेश्चन के आंसर के लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। 4 लिख लीजिए, इनफ है। सिर्फ आपको पास होना है, टॉप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन में टॉप करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसमें आंसर सबमिट कर दो, वही आपके लिए काफ़ी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, देखिए, जब भी आपकी आंसर शीट सबमिट होती है तो आपको अपना स्क्रीनशॉट लेना है सक्सेसफुली का। अगर आप SOL के असाइनमेंट वाले पोर्टल पे कर रहे हो तो आपको सबमिटेड जहां लिखा आता है आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना है। क्यों लेना वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जब अगर आप DU के ऑफिशियल पोर्टल पर कर रहे हो तो अंदर जो सक्सेसफुली का आता है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा गाइडलाइंस कहती है कि अगर फ्यूचर में आपको अब्सेंट या कोई दिक्कत दिखाई गई तो आप उस प्रूफ को ले जाके वहाँ दिखा सकते हो कि देखो भाई, देखो सर, मैंने तो पेपर दिया था, आपने मुझे फेल किया। समझ गए ना, ये भी फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है। चौथी और सबसे मेन बात, ये चौथी मेन बात क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चौथी मेन बात ये है कि जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, और सीट पर उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, उल्टी सीधी चीज़ों का मतलब कोई भी धर्म से जो जुड़ा हुआ कोई भी सिंबल आपको नहीं लिखना है, चाहे किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखना है। जितना उन्होंने पूछा उतना ही आपको लिखना है। बाकी रंगीन पेज का यूज़ नहीं करना है, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं। देखिए, वहाँ आपके फैशन को नहीं देखा जाएगा, वहाँ आपके माइंड को देखा जाएगा, आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन या नहीं। और हाँ, एक बात और, पॉइंट में ज़्यादा लिखे, पैराग्राफ ना लिखे। और दूसरे जाते जाते एक और आपको मैं टिप्स दे देता हूँ, 4 है, 5वीं बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो किसी में से भी अगर नकल मार रहे हो तो आधा उसमें से नकल मारी, आधा अपनी लैंग्वेज में लिखिए, पूरा मत टेपिएगा, वरना बाद में रिजल्ट आपका ही आना है, मेरा कुछ नहीं जाना। बस आई होप आपको मेरी दी गई बातें समझ में आई होगी। तो बस वीडियो में आज के लिए बस इतने रखूँगा, बाकी मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।